मानदेय सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन का काम बंद कलम बंद हड़ताल नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शनिवार को अंतिम दिन भी जारी रहा। विभिन्न परियोजनाओं में भारी संख्या में आई आंगनवाड़ी और सहायिकाएं अपनी मानदेय बढ़ोतरी के लिए नारेबाजी किया। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्या ने कहा कि मानदेय वृद्धि को लेकर वार्ता हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हमारा हड़ताल यहाँ से आज समाप्त होगा। कल सुबह सभी आंगनवाड़ी और सहायिकाएं लखनऊ के लिए कूच करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्या ने कहा, हर एक समस्या की बातें आपको और हम सभी को देख करके वो अलग हो जाता है। मेरी बहन, हमें भी होना चाहिए जिम्मेदारी है क्या समय से तो माउंटेन व्यू पीजिए। तो कोई उस पर ठोस कदम अभी तक उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं आई, जिसके वजह से पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में निराशा है, आक्रोश है। लेकिन एक नई थोड़ी सी आंगनबाड़ी संगठनों के इस नेतृत्व पे उम्मीद भी है और लगातार हम लोग शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, वार्ता चल रही है। उनके नेताओं के द्वारा स्पष्ट हम लोगों को सुनाई दिया, बताया गया कि मानदेय बढ़ोतरी होगी और बहुत जल्दी होगी, लेकिन कब तक होगी उसी के लिए अभी भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि जब भी उनको घोषणा करनी है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से घोषणा कर दें, न्यूज़पेपर के माध्यम से घोषणा कर दें। लखनऊ कल शाम को हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और प्रदेश मुख्यालय लखनऊ के इको गार्डन में पहुँच करके हमारा यह आंदोलन और धरना प्रदर्शन वहाँ से जारी होगा। यहाँ से आज ये धरना यहाँ से समाप्त हो रहा है और लखनऊ के लिए कूच करेगा।